अयोध्या में भव्य दीपोत्सव 25 लाख से ज्यादा दीयों से जगमग हुआ, सरयू तट बना नया रिकॉर्ड। दीपोत्सव समारोह में शामिल हुए सीएम योगी राम मंदिर के बाहर मिट्टी का दिया जलाया। भक्ति में लीन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सरयू घाट पर आरती के लिए आशीर्वाद। दीपोत्सव समारोह के दौरान जमकर हुई आतिशबाजी, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। अयोध्या के सरयू घाट पर लेजर और लाइट शो, रामलीला का किया गया वर्णन। अयोध्या में सीएम योगी ने भगवान राम का रथ खींचा, तिलक किया और आरती उतारी। सीएम योगी ने रामलला के किए दर्शन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। अयोध्या में सीएम योगी बोले, 8 साल पहले एक ही नारा गूंजता था, योगी जी एक काम करो, राम मंदिर का निर्माण करो। सीएम योगी ने कहा, 500 वर्षों का अंधकार खत्म करके रामलला आए, सनातन धर्म के लिए अयोध्या बस एक शुरुआत। सीएम योगी बोले, सनातन ने किसी का अहित नहीं किया, सबको गले लगाया, माफिया की तरह ही सनातन के विरोधियों की दुर्गति करेंगे। अयोध्या में विपक्ष पर बसे योगी, कहा कुछ लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू को लाल किया था। सीएम योगी बोले, अयोध्या में 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज पूरी दुनिया अयोध्या की चमक देखने आ रही। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप, त्योहार का राजनीतिकरण कर लोगों को बांट रही है बीजेपी। दिवाली को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर और 1 नवम्बर दोनों दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने की पटाखों पर बैन की मांग, कहा दिवाली पर आतिशबाजी से प्रदूषण। तौकीर रजा बोले, दिवाली पर पटाखे जलाना पैसे की बर्बादी, इससे समाज का कोई भला नहीं हो रहा। बाबा बागेश्वर का पलटवार, पटाखे बैन की मांग को सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बताया। बाबा बागेश्वर ने कहा, बकरी ईद में कुर्बानी पर बैन क्यों नहीं लगता, बकरी की कुर्बानी से समाज का भला नहीं। दिवाली पर दियों और लाइटिंग से रोशन हुआ गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, आज से 8 नवम्बर तक मनाई जाएगी दिवाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली, तेजपुर मेघना स्टेडियम में हुआ प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर दिवाली का जश्न, भारतीय सेना के जवानों ने जलाए दिए। दिवाली पर फूलों से सजा केदारनाथ धाम, 3 नवम्बर को 8:30 बजे बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। दिवाली से पहले त्रिची के एनएसबी रोड पर खरीदारी करने उमड़े लोग, ड्रोन कैमरे की तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड सीएम ने देहरादून बाजार का किया दौरा, कुम्हारों से मिट्टी के दिए खरीदे। चुनाव के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर पॉलिटिक्स, मुंबई के बीजेपी कार्यालय में देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर, लेकर नई गाथा लिखना वो फिर आ रहा है। शिंदे गुट के सदा सरवनकर को उतारने पर बोले देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का स्टैंड क्लियर, अमित ठाकरे का करेंगे समर्थन। बीजेपी के चुनाव प्रचार मना करने पर बोले नवाब मलिक, जनता का समर्थन और विश्वास मेरे साथ है, चाहे कोई पार्टी मेरा विरोध करे। सरकार किसी की भी बने, किंग मेकर अजीत पवार ही होंगे, अनुशक्तिनगर से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक का बयान। अपने पिता नवाब मलिक के समर्थन में उतरी सना, कहा कितना कीचड़ उछाल ले वो निर्दोष साबित होंगे। झारखंड सरकार पर शिवराज सिंह चौहान का अटैक, कहा जब तक जेएमएम और कांग्रेस की सरकार तब तक तरक्की नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन बहुत मजबूत, जीत हमारी होगी। चुनाव आयोग के जवाब के बाद कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी बोले पूरी तरह से बेनकाब हुई पार्टी, चुनाव आयोग से माफी मांगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस को लोकतंत्र में आस्था नहीं, कम नहीं हो रहा विपक्ष के मन का अंधकार। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी कांग्रेस पर बरसे, कहा झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपनी शिकायतें दी, चुनाव आयोग के जवाब से सहमत नहीं कांग्रेस। दानिश अली बोले ईवीएम की बैटरी 99% का होना ही तो शक पैदा कर रहा। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जिशान सिद्दीकी, पिता की अधूरी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा। एनसीपी उम्मीदवार जिशान सिद्दीकी का धमकी मिलने से इनकार, कहा शूटर मुझे मारना चाहते थे इसलिए मेरे ऑफिस आए। कांग्रेस छोड़ने पर जिशान सिद्दीकी का बयान, कहा कांग्रेस में मेरे हक के लिए कोई नहीं लड़ा। जिशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर अटैक, बोले कांग्रेस में कई मुस्लिम विरोधी, वहां बहुत हद तक कम्युनलिज्म। झारखंड में बीजेपी स्ट्रांग पोजीशन में, चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। रांची में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र कांग्रेस ने महायुति गठबंधन को भ्रष्ट युति बताया, सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। असम उपचुनाव पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, बीजेपी के आतंक से थक गए लोग। कर्नाटक उपचुनाव के लिए जेडीएस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जीटी देवगौड़ा और एचडी रेवन्ना का नाम गायब। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी, डिप्सांग और डेमचौक से भारत की सेनाएं पूरी तरह पीछे हटी, बहुत जल्द शुरू होगी दोनों सेनाओं की गश्त। एलएसी पर जारी रहेगी सेना के ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत, सूत्रों के मुताबिक कल भारत चीन सेनाओं के बीच दिवाली की मिठाई का आदान प्रदान। जम्मू में फॉरवर्ड लोकेशन पर गए वायुसेना प्रमुख, जवानों को हर वक्त सतर्क रहने पर दिया जोर। दिवाली से पहले गुजरात को पीएम मोदी की सौगात, 280 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले राजस्थान के सीएम भजन लाल, दिवाली पर की शिष्टाचार मुलाकात। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, बयान को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इंद्रेश कुमार बोले देश की एकता को लेकर दिया गया बयान, 1947 के बंटवारे से देश को सुकून नहीं मिला। धान खरीद के मुद्दे पर चंडीगढ़ में आपका हल्ला बोल, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, कई आप कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स फिर सड़कों पर उतरे, मशाल और तिरंगा लेकर न्याय की मांग की।
एक्टर सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार। आरोपी मुंबई के बांद्रा का रहने वाला, 2 करोड़ की मांगी थी फिरौती। दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी सांसदों की याचिका, बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने की मांग की। उधमपुर के सेना के डॉग फैंटम को अंतिम विदाई, अखनूर में आतंकियों से मुठभेड़ में हुआ था शहीद। कर्नाटक सीएम ने बेंगलुरु में 20 नई बसों को हरी झंडी दिखाई, डिप्टी सीएमडी के शिव कुमार भी रहे मौजूद। दिवाली पर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, कल से मिलेंगे हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर। नीति आयोग के प्रतिनिधियों से मिले आंध्र सीएम, स्वर्ण आंध्र प्रदेश विजन 2047 को लेकर की चर्चा। एमसीडी कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल का तोहफा, दिवाली से पहले सैलरी और बोनस ट्रांसफर किया। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर भी खूबसूरत लाइटों से रोशन, दिवाली पर सजाया गया। गुजरात के वापी स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़, जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखे। छठ दिवाली पर रेलवे की खास व्यवस्था, चलाई जा रही हैं 164 विशेष ट्रेनें। देशभर के अलग अलग शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों तक की ट्रेनें, 7000 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था। दिवाली पर शाहरुख खान का घर मन्नत भी सजा, रंग बिरंगी लाइटों से हुआ जगमग। दिवाली के मौके पर न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी, इतिहास में पहली बार दिवाली पर बंद रहेंगे स्कूल। न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिवाली पर खास लाइटिंग, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया सेंटर। ग्वालियर के मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता, नरक चतुर्दशी पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के चेन्नई में तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। दिल्ली में यमुना में खत्म नहीं हो रही जहरीली झाग, 5 दिन बाद शुरू हो जाएगा छठ का महापर्व। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन, मानसिंह रोड पर पीडब्ल्यूडी ने किया पानी का छिड़काव। दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, 31 अक्टूबर को सभी लाइन के टर्मिनल स्टेशन से रात 10 बजे चलेगी आखिरी मेट्रो। महाराष्ट्र के नवी मुंबई लाइट विवाद में एफआईआर दर्ज, महिलाओं से बदसलूकी, धमकी देने पर हुआ केस। त्रिपुरा सरकार ने डीए में 5% बढ़ोतरी की, 2 लाख कर्मचारियों पेंशन भोगियों को मिलेगा लाभ। जौनपुर हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरा, कहा सरकार कमजोर और अपराधी ताकतवर होते जा रहे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक्शन, मोबाइल टावर से उपकरण चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, 52 आरोपी गिरफ्तार। गैंग ने अब तक 100 करोड़ से ज्यादा का सामान बेचा, 250 मामलों का हुआ खुलासा। उत्तराखंड के टिहरी में सलमान नाम के युवक पर नाबालिग को भगाने का आरोप, नाबालिग के धर्मांतरण कराने का भी आरोप। नाराज लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर किया प्रदर्शन, आरोपी सलमान के खिलाफ धर्मांतरण समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज। राजस्थान के पाली में खाद्य सुरक्षा टीम की रेड, फैक्ट्री से फंगस लगा, 5000 किलो अचार जब्त। गोवा में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ समारोह, सीएम प्रमोद सावंत भी हुए शामिल। अमृतसर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर लंडा हरीके का साथी गुलशन, दूसरा साथी भागने में कामयाब। श्रीनगर के टाउन स्क्वायर मॉल में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के वसंत कुंज में जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 16 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। केरल सीएम ने ओलंपिक विजेता पीआर श्रीजेश को किया सम्मानित, जिमी जॉर्ज स्टेडियम में हुआ प्रोग्राम। 1 नवम्बर से भारत वर्सेज न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों की होगी टक्कर। आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले कल आएगी सभी टीमों के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट, ऑक्शन से पहले 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं टीमें। आईपीएल में फिर आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं विराट कोहली, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली कप्तानी के लिए तैयार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का शेड्यूल आया, 8 नवंबर को पहला मुकाबला। रुपए में 4 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 84.09 रुपए पर। छोटी दिवाली पर शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 426 अंक टूटा, निफ्टी 126 अंक गिरा। नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल 18 नवंबर को होगी रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगी। हॉरर फिल्म थामा में साथ नजर आएंगे आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना, फिल्म मेकर दिनेश विजन ने किया अनाउंस।